हम कहीं भी नहीं गए लेकिन वापस आ चुके हैं। बैक ऑन एयर विद यू व्यूअर्स, मेरा नाम परवेज बशीर और इनका नाम तो आप जानते ही हैं। हाँ, मेरे रेलेवेंट हो चुका है नाम। नहीं नहीं, है आपका, नाम, आपका नाम तो सबको याद है, मुझे याद दिलाना पड़ता है। क्या बात, मेरी मेमोरी जरा कमजोर है ना। एक तो ये मेमोरी बड़ी कमजोर, ये बड़ी अच्छी एक्सक्यूज है। पता है हमारे यहाँ लोग बहुत सी एक्सक्यूजेस यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। मैंने आपको कहीं देखा है, मैं कहा हाँ वो मैं एक्चुअली व्हाटएवर। खैर ये बताइए मेमोरी से रिलेटेड आप क्या बात कर रहे हैं? मेमोरी से रिलेटेड नहीं, मैं एक्सक्यूजेस से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। करें एक्सक्यूजेस से रिलेटेड इसलिए मैं बात करने वाली हूँ कि यंगस्टर्स में आजकल एक बहुत पॉपुलर नॉर्म जो मैं आप पता नहीं क्यों ऑल ऑफ अ सडन इतना हो गया है पॉपुलर, डिप्रेशन। नहीं नहीं, उसकी उसके रीजंस तो होंगे ना। नहीं नहीं, देखिए एक तो रीजंस है, जेन्युइनली देयर इज डिप्रेशन का में राइज है, डेफिनेटली है। मगर एक पॉपुलर वो भी है कि आप सैडनेस को या एक स्टेट ऑफ माइंड होता है वो योर मेलानकोली आप फील करते हैं, दवाई खाने के लिए डिप्रेशन डायग्नोस सेल्फ डायग्नोस सेल्फ डायग्नोस करके और सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं। और वो तो आजकल जो जेड से नाम जो हम ऑन एयर नहीं ले सकते वो बहुत चल रही है गोली। और हमारे यहाँ बहुत सी मेडिसिन बहुत पॉपुलर है और सब कुछ खुद ही अपने पे एडमिनिस्टर लोग कर लेते हैं, बट यू डू नीड सम एक्सपर्टीज। एंड डिप्रेशन के हवाले से हमारे पास एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं, सेगमेंट भी हमारे साथ करते हैं, हेल्थ साइंसेस का प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। एंड इनके साथ बैठी हैं खालदा, थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। अच्छा जी, आपसे मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आएंगे क्योंकि आपका बहुत लिमिटेड टाइम होता है, वी डोंट वांट टू वेस्ट दैट। एंड डिप्रेशन के हवाले से जैसे हम अभी डिस्कस भी कहते हैं, आपने बहुत काम किया है, आपकी बुक्स भी हमारे सामने यहाँ रखी हैं जो कि मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स को हम दिखा सकें, इफ दे कैन सी दिस। अगर जूम होगा कैमरा तो दिखा सकेंगे कि ये वाले जनाब हमारे पास किताबें हैं, दोनों को पास रखते हैं ताकि आप देख सकें। There's lots of books, frankly, बहुत सारी किताबें हमारे सामने मौजूद हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा भाई आ जाएं आप ये फ्री में। ये वाली मेरी किताब है, हमारी किताबों की लड़ाई हो रही है। ये जो हमारा अभी टॉपिक है मरियम, रिलेवेंट है बिल्कुल। एंड का जदीद तरीका इलाज, डिप्रेशन का जदीद तरीका इलाज, इसके बारे में। पुराने समय में होता था कि लड़की को डिप्रेशन और शादी कर दो, डिप्रेशन का इलाज बिल्कुल। अगर शादी ना होने से किसी को डिप्रेशन है तो करनी चाहिए उनको। मर्द मालूम बाद में कह रहे यार एक बेगम की वजह से डिप्रेशन है, अगर दो एक ही जैसी होती तो कितना मजा आता। जिस चीज से इंसान को डिप्रेशन है उसी को फिर करनी चाहिए ना, उनको उस काम को करनी चाहिए ताकि उसको डिप्रेशन दूर हो जाए। आजकल डिप्रेशन जो है हमारे यंगस्टर जो तबका है उनको और ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि उनको इतनी ख्वाहिशात बढ़ गई हैं कि वो इतनी ज़्यादा, कोई चाहता है कि किसी के पास कई बहुत आला किस्म की कार हो, बड़ी अच्छी बंगला हो, बड़ा बंगले और 80 इंच का टीवी हो, हेलीकॉप्टर हो, सारी कुछ हो। तो हर कोई चाहता है कि वो बड़ा बड़ा दिखा के, और आप देख रहे होते हैं बड़े एटीट्यूड और बहुत अजीब गरीब लोगों के कैफियत होती है, हर कोई बड़ा है छोटा कोई नहीं है। तो इस हालात में इंसान का डिप्रेशन टेंशन हर सूरत में बढ़ते हैं। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि जिस तरह WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च के मुताबिक तकरीबन हर 5 में से चंद लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तो अगर ये हालत इस तरह बढ़ते जाएगा तो मैं समझता हूँ 5 में से 5 ही 5 डिप्रेशन से 6 भी हो सकते हैं, डिप्रेस्ड है भाई बिल्कुल। तो हमें इस पे बात करनी चाहिए कि डिप्रेशन है क्या और डिप्रेशन के अलामात क्या है, डिप्रेशन के वजूहात क्या है, डिप्रेशन को क्योर कैसे करते हैं, ये बड़ी ज़रूरी है। आज आपने टॉपिक जो रखा ये एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है क्योंकि हर किसी को अगर इस तरह की लाहक है कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो हमें इस पे बात करनी चाहिए। भाई कि वो हम तो बहुत डिप्रेस्ड हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत डिप्रेस्ड हैं। ये हर वक्त इस्तेमाल करते हैं लोग, हाँ डिप्रेस्ड है और परेशान है, क्या होता क्या है डिप्रेशन। नहीं, डिप्रेशन एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड बीमारी है। लोग चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमें बताएं यार आजकल मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ। देखिए चूंकि डिप्रेशन को हम समझते नहीं हैं, इस वजह से डिप्रेशन पे हम बात नहीं करते हैं। हमारे जो अभी जो जितने भी टॉक शोज होते हैं, जो भी चीज़ें होते हैं, तो उनमें हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं सियासी हालात को, हालात हाजरा को जो होते हैं, जो उससे बल्कि डिप्रेशन होता होगा लोगों को, तो उस पर और ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है इंसान को।
तो हम इसी चीज़ों पे बात करते हैं और हमें अपने आप को भूल जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो डिप्रेशन जो है वो एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसे छुपी हुई, एक ऐसी खौफनाक सी बीमारी है जो इंसान को पता नहीं चलता है, अंदर से खा जाती है, अंदर से खा जाते हैं, घूंद की तरह इंसान को खा जाते हैं। डिप्रेशन इतना बुरी चीज है। डिप्रेशन वैसे तो लोग समझ में नहीं आता, फैमिली टूट जाती है डिप्रेशन में, अगर आप देखें यही बात, फैमिली से टूट जाती है कि भाई ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि इंसान को अंदाजा नहीं होता कब वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है। ये ऐसा खौफनाक बीमारी है कि अगर जरासीम हमारे बॉडी में इन हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, पता चल जाता है कि कहाँ पर जरासीम है किसी बॉडी में। अब मेडिसिन को एंटीबायोटिक को ले लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि ये दर्द भी नहीं होता है इसमें, ये आ जाते हैं इंसान को डिप्रेशन मिले जाते हैं और कभी कभी मालिश को भी पता नहीं चलते हैं, कभी डॉक्टर को पता नहीं चलते हैं, साइकाट्रिस्ट को कभी कभी पता नहीं चलता है कि वाकई इसको डिप्रेशन है भी कि नहीं। इतनी गंभीर बीमारी है ये कि इसको जानना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल काम है। आपके लिए तो मुश्किल नहीं होगा पता करना कि ये डिप्रेशन में। कभी कभी तो साइकोलॉजिस्ट को भी मुश्किल होता है ये चीज़। अच्छा। हर इंसान के लिए मुश्किल है, डिप्रेशन को जानना बहुत मुश्किल काम, ये खुद इंसान खुद जान सकता है सही तरीके से। सही बात। वो फिर मालिज का जो है, साइकोलॉजिस्ट का वो हेल्प कर सकता है, साइकाट्रिस्ट का हेल्प कर सकता है, जो काउंसलिंग करता है उनका हेल्प कर सकता है, वरना उनके हेल्प के बगैर कोई जान ही नहीं सकता है कि डिप्रेशन है। तो क्या अलामत है डिप्रेशन, अगर किसी को जैसे आपने कहा कि खुद बंदा ज्यादा बेहतर समझ सकता है कि उसको क्या कैफियत है और डिप्रेशन की तरफ वो माइल है कि नहीं है, तो कैसे? आई लाइक दैट क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी वेरी रिलेवेंट एंड गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, डिप्रेशन देखिए होता यह है कि डिप्रेशन के अलामत है, डिप्रेशन ऐसे चीज़ ने जिस तरह हम जिसको कहते हैं टेंशन, जिसको कहते हैं टेंशन, छोटी मोटी टेंशन हो जाए हम कहते हैं हम बड़ी डिप्रेस हम जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हैं, हम हर चीज़ डिप्रेशन में ले लेते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है, डिप्रेशन एक ऐसे खौफनाक चीज़ है कि कभी आपका दर्द सर में आ जाते, कभी कंधों में हो जाते, कभी कमर में होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, कभी ज़िला होता है इंसान, कभी अजीब गरीब कैफियत होते हैं इंसान के। फिर डिप्रेशन के बहुत से अकसाम हैं, एक मैं सादा जबान में बयान कर सकता हूँ जो कि मैंने इस किताब में भी बड़ी सादा तफसील से मैंने इसका लिखा है, मगर इसकी जो अलामत है मैं हम सादा जबान में जो अकसाम है डिप्रेशन के वो इस तरह के है कि एक डिप्रेशन होता है जो सतही डिप्रेशन होता है, जो अभी 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 इंसान को लाहक होता है, तो उसके जो नींद की कमी आ सकता है, भूख में कमी आ सकता है और उसमें बॉडी कमज़ोर हो सकता है, या लोग कुछ ऐसे अलामत होते हैं जो लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा सोना, वज़न बढ़ जाते हैं, सोते ही रहते हैं, नहीं उठना चाहते, चिड़चिड़ापन आ जाता है, नींद बेटाइम हो जाते हैं, कभी दिन को सो जाना, रात को गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और डॉक्टर साहब ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना तन्हाई पसंद हो जाता है, तन्हाई पसंद करते हैं, और जो है ना कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता है, आराम से बैठे होते हैं, उनको खुद भी पता नहीं होता है कि मैं क्यों भूल नहीं रहा हूँ, मैं क्यों तन्हाई पसंदी पसंद करूँ, किसी शर्माना, किसी जगह पे जाना, हिचकिचाहट हो जाती है इस तरह के, ये यानी ये जो जो पहला जो डिप्रेशन है ये इसके अलामत है। एक डिप्रेशन होते हैं कि दरमियानी तबके की जो डिप्रेशन होती है उसके फिर अलामत और गंभीर होते हैं, कोई ना कोई जिस्मानी बीमारी साथ होते हैं, कुछ और दूर से लग रहे होते हैं कि शख्स बीमार है, लेकिन जिस्मानी तौर पे जो मालिज है उसको डील करते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं और शख्स ठीक नहीं, क्योर नहीं। तो डॉक्टर साहब अगर आपका उसकी डिप्रेशन डिप्रेशन का शिकार पेशेंट आता है आप क्या करेंगे? फर्स्ट कीजिए आपको किसी को बताना हो कि भाई ये डिप्रेशन तुम्हारा दूर यूँ हो सकता है, तो क्या एक्सरसाइज है आपके पास? देखिए डिप्रेशन को डील करना और डिप्रेशन को क्योर करना, डिप्रेशन को ख़त्म करना ये होना चाहिए, क्योंकि ये नफ्सियाती बीमारी है, नफ्सियाती तौर तरीके से होनी चाहिए। मेडिसिन से कभी कभी हमारे डिप्रेशन बिल्कुल दूर हो जाता है, ट्रैंक्विलाइजर जिस तरह एंटी डिप्रेसिव जो हम मेडिसिन लेते हैं, तो उससे हमारे
क्योर हो जाते हैं मगर कुछ हद तक कामयाब होते हैं जो कि खुद वो टेम्परेरी होता है क्योर टेम्परेरी होता है या सारी जिंदगी वो दवाई लेनी पड़ती है या कई महीनों तक डिपेंडेंट हो जाते हैं उस दवा पे, फिर उन्हें लगता है उस दवा के बगैर नहीं फंक्शन कर सकते हम, ये आदि भी हो जाता है इंसान कुछ, और फिर उस दवाई उस मेडिसिन के अपने फिर वो जो उनके जो साइड इफेक्ट्स है उसको ठीक करते करते उस पे फिर कितना अरसा लगेगा। अच्छा वैसे ये एक आपकी क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो रही होगी, आमतौर पर किस एज ग्रुप से लोग ज्यादा आते हैं डिप्रेशन का शिकार, कोई जेंडर में भी है ये कि खवातीन में ज्यादा है मर्दों में ज्यादा है, कोई एज ग्रुप है? इनके एज ग्रुप में या मेरे एज ग्रुप के लोग ज्यादा आते हैं आपके पास? जी मैं लेडीज को ज्यादा मैं आपको बताऊँ, जो पुराने जमाने में ये समझते थे कि इंसान बड़ी हो के तो उनके परेशानियाँ बढ़ जाते हैं ना, आजकल एक नए रिसर्च के मुताबिक जो लोग थोड़े से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं उनके टेंशन डिप्रेशन रिलैक्स होते हैं थोड़ा कम हो जाते हैं। हैरानगी तो आपको हैरानगी होगी ना, भी कम हो जाएगी कभी ना कभी ये डिप्रेशन आपकी हो गई कम, मुझे ये सुन के बहुत तसल्ली है। जाहिर है मरियम ऐसा ऐसा उम्र बढ़ते जा रहे हैं तो जाहिर है हम सब में एक चीज कॉमन है, बूढ़ा कर रहे हैं हम सब में एक चीज कॉमन है कि हम सब बुढ़ापे की तरफ जा तो रहे हैं, कुछ ऐसा जा रहे हैं एक वक्त रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे इसके बाद मुझे अगर डिप्रेशन हुआ ना तो फिर डॉक्टर साहब मैंने आप ही के पास आना है, मैं 20 साल में बूढ़ा हो जाऊंगा मैं आपको। एक वक्त नहीं नहीं रिलैक्स होना है जरूर। तो जो अभी आप देख रहे होते हैं कि बच्चों में डिप्रेशन है, बच्चों आजकल तो बच्चे इतना चाहते हैं कि बच्चे जो है वो इतना ज्यादा लालच में आ गई है कि हर चीज उन्हें चाहिए, विश लिस्ट बहुत लंबी हो गई है भाई, ज्यादा चाहिए बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब जो लेडीज के साथ डिप्रेशन के मसाइल हैं वो फिर और तरह के हैं, जैसे हमारे पास आती हैं लेडीज आती हैं जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती, बहुत बड़ा मसला है लेडीज के लिए, वो इस कैफियत में चली जाती हैं, बल्कि कुछ केसेस हमारे पास आए उनकी मदर बताती हैं फिर आके कि वो एक अपने रूम में रहना पसंद करती हैं, लाइट नहीं ऑन करेंगी, खुद से बातें करेंगी, उन्होंने अपनी एक खुद की दुनिया बनाई हुई होती है, वो कहती हैं कि हम लोग सुन रहे होते हैं कि वो रूम में होती हैं तो वो किसी से बात कर रही होती हैं कि मैं ये कपड़े पहन लूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं अच्छी लग रही हूँ। तो जब एज ज़्यादा हो जाती है, और वाकई इन्होंने कहा कि परवेज साहब ने कहा कि लोग कहते थे कि अगर डिप्रेशन है तो शादी कर दें, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है और वो शिजोफ्रीनिया की स्टेज तक पहुँच चुकी हैं, क्योंकि हमारे बड़ा टैबू है ना कि शादी हो रही है, हम लोग शादी किनारे लगा देते हैं ना, उनको एक्टिव रोल देते ही नहीं है। साहब तजुर्बे ने आपसे बहुत ज्यादा तजुर्बात है, देखे लेकिन मैं तो डिनाई नहीं कर रही इसको, देखे कब्र में पैर लटकाए बैठे पहले ही सही कहा ना, नॉट ओनली दैट मालूम शादी हो हमारी गुफ्तगू बहुत अजीबोगरीब किस्म का रुख अख्तियार कर रही है, मालूम हुआ शादी हो गई अब बच्चे नहीं हो रहे, या बच्चे हो रहे तो लड़की हो गई, अब डिप्रेशन, पहले शादी नहीं हुई थी फिर शादी हो गई अब लड़की हो गई तो डिप्रेशन, शादी से पहले और तरह के डिप्रेशन होता है कि बेटी हो गई तो डिप्रेशन और फिर वो बेटी भी डिप्रेशन ले, शादी से पहले भी डिप्रेशन होता है, ये सच है, ये सच है, लोग हमारे पास। अच्छा मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, ये माइंड यू आप हैरान होंगे, आप डिप्रेस नहीं है, जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम जो हमें ले आते हैं आप हैरान होंगे कि अजीब गरीब प्रॉब्लम होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बेटियां ही होते रहते हैं तो डिप्रेशन टेंशन का शिकार हो, वो बेटियां भी डिप्रेशन ही में आएंगी जाहिर सी बात है जब आप उनको टेंशन नहीं देंगे, और ऐसा लोग है अगर बेटियां होते तो दूसरी शादी कर लेते, वो फिर वो टेंशन बन जाता है, मानो ट्विंस हो गई वो बच्चियां, ये आपकी मुझे जो ऑब्जर्वेशन है ना, मानो नई वाली बीवी की ट्विंस बच्चियां हो गई, बड़ी रिकॉर्ड की तो ट्रिपलेट्स हो गए, देखिए इनकी बात ना आज के लिए इनकी काफ है, आज उल्टा करेंगे हम लोग ना, डिप्रेशन के हम जानना चाहते हैं ना तो हम इसलिए बात कर, डिप्रेशन को जानने के लिए हमें बहुत से प्रोग्राम करने चाहिए, हमें इस पे बहुत सी बात करनी चाहिए, डिप्रेशन कैसे बताए, कुछ एक शख्स होते हैं कि वो कहते हैं कि बेटियाँ तीन चार पांच बेटियाँ उनके अल्लाह ने दे दिए, अब उन्होंने सोचा कि इन एक बीवी से तो जो है वो बच्चे नहीं हो रहे हैं, मकसद बेटियाँ हो रहे हैं बेटे नहीं हो रहे तो उन्होंने दूसरी शादी करनी है, अब एक डिप्रेशन तो ये है उनको कि यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, दूसरी शादी हो गई तो डिप्रेशन और बढ़ गए, कम थोड़ी होगा, जाहिर है डिप्रेशन उनके और बढ़ गए तो वो डीपली डिप्रेशन में चले गए, ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आई हैं, हमारे पास ऐसे केसेस, ये गौरतलब बात है, दूसरी शादी इज नॉट क्योर, वो ऐड करता है प्रॉब्लम्स में। तो अच्छा उन डिबेटेबल मैं आपको बताऊं, अब दूसरी शादी हो गई, अब क्या पता है कि उनसे बेटे होंगे कि नहीं,
यकीन माने। अच्छा ये भी क्या वजह है, एक खुदा पे से ईमान हमारा शायद कम होता जा रहा है, हमारे ईमान में कमी आती जा रही है, हम लोग सब चीज अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मैं एक बात कहूं, मैं फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। देखिए इसके सोशल रीजंस हैं, हमारे इंडो पाकिस्तान में और साइडों में।